अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही दूसरे महाभियोग में बरी हो गए हों, लेकिन उन्हें कैपिटल बिल्डिंग पर हमला मामले में अदालती मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। इस बदलाव से महाभियोग के दौरान ट्रंप के पक्ष में मतदान करने वाले रिपब्लिक पार्टी के सीनेटर भी वाकिफ हैं। चूंकि ट्रंप अब सामान्य नागरिक हैं, लिहाजा उनके पास कानूनी संरक्षण भी नहीं है जो राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान उन्हें मिला हुआ था। सीनेट में अल्पसंख्यक नेता कैटकी मिंच मैककोलेन ने कहा कि ट्रंप पर एक साधारण नागरिक के रूप में पद पर रहते हुए अपने हर काम के लिए उत्तरदायी थे। उन्होंने कहा कि ट्रंप को जवाबदेह ठहराने के लिए सीनेट के मुकदमे से अधिक अदालतें उपयुक्त स्थान हैं। आरोप है कि ट्रंप ने अपने भाषण के जरिए समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।